What's up guys, welcome back to Shiriz and Nutritions. आज इस वीडियो में हम दोनों भाई ना आप लोगों ने बहुत अच्छा कंटेंट लेके आया कि इससे ना आपको क्लैरिटी मिलेगी कि इस वीडियो में जो हम आपको चीज दिखाने लगे हैं वो आपके लिए सही रहने वाली है या नहीं रहने वाली है। तो गाइस इसमें आप लोगों को ये भी पता लगने वाला है कि ज्यादा पैसे के बाद ही आप एक अच्छा प्रोटीन ले सकते हैं या फिर कम पैसों में भी अच्छा प्रोटीन आ सकता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और गाइस हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे आप लोगों को बेहतरीन ऑफर्स मिलेंगे, तो आप हमारे इंस्टाग्राम को एंड फेसबुक को भी फॉलो कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज हम आप लोगों को ना देखो इंडिया के जो भी काफी हॉट सेलिंग प्रोटीन चल रहे हैं उन दोनों में से दोनों प्रोटीन का हम यहाँ पे आपको तुम्हारे को कंपैरिजन दिखाने वाले हैं। सो पहला प्रोटीन यहाँ पे होने वाला फ्री क्लैप्स का आइसोबाई 100 एंड दूसरा प्रोटीन आपको यहाँ पे मिलने वाला ऑन का 100% गोल्ड स्टैंडर्ड जो कि काफी हॉट सेलिंग है। दोनों ही प्रोटीन बहुत हॉट सेलिंग है। तो इस वीडियो में तुम्हारे को बताएगा कौन सा चूज करना है, कौन सा नहीं करना है, किस पे पैसे खर्चने हैं, किस पे पैसे नहीं खर्चने हैं। सो गाइस फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड आइसोलेट प्रोटीन। गाइस आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं कि आइसोलेट नाम है, दैट डजंट मीन कि ये प्योर आइसोलेट ही होगा। तो आप लोग जब भी कोई प्रोटीन बाय करें क्या चेक करना है धैर्य भाई? इंग्रेडिएंट्स आप लोगों ने चेक करने हैं। बिल्कुल चेक करने हैं, क्योंकि इससे ये पता रहेगा आपको कि कौन सा प्रोटीन हम ले रहे हैं और उसकी आपके लिए वर्थ है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको स्टार्ट करते हैं इसके इंग्रेडिएंट से ही। इसके अंदर कंपनी ने यहाँ पे मेंशन किया हुआ हाइड्रोलाइज एंड अल्ट्रा फिल्टर्ड वे प्रोटीन आइसोलेट। तो इसके अंदर आप इंग्रेडिएंट्स में चेक करते हैं कि कौन सा प्रोटीन सबसे ज्यादा यूज हुआ हुआ है, क्योंकि कंपनी ने मेंशन किया हाइड्रोलाइज एंड वे प्रोटीन आइसोलेट। तो इंग्रेडिएंट्स में इन्होंने लिखा हुआ हाइड्रोलाइज वे प्रोटीन आइसोलेट एंड वे प्रोटीन आइसोलेट, जो कि है हाइड्रोलाइज प्रोटीन 47% है इसके अंदर और जो वे प्रोटीन आइसोलेट है वो इसके अंदर 46% है। तो अब धैर्य भाई जरा लोगों को बताया जाए आइसोवे 100 के इंग्रेडिएंट्स क्या बोलते हैं। दोस्तों अगर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आइसोवे 100 की, एक तो आइसोवे 100 जो हमारा वो मेड इन यूएसए ब्रांड है एंड दिस आल्सो मेड इन यूएसए ब्रांड। प्लस आप लोगों को चीज बताना चाहूंगा ऑन अब पर्टिकुलरली मेड इन इंडिया हो गया, बट आपको जो ये वाला देखने को मिलेगा ये आपको मेड इन यूएसए देखने वाला राइट। जैसा कि चिन्मय ने आपको बताया कि देखो सी इंग्रेडिएंट्स में आप लोगों को सबसे पहली चीज जो सबसे पहली चीज देखिए वो सबसे पहली होगी राइट। सो चिन्मय इसके लिए सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स में क्या लिखा हुआ? वे प्रोटीन आइसोलेट, हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन, हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन आइसोलेट। सो कहने का मतलब है कि इसके अंदर 40-45% जितना भी आपने कंपनी ने मेंशन किया दैट इज प्योर हाइड्रोलाइज्ड राइट। सो जो फ्री क्लैप्स का आइसोवे 100 है, अब देखो दिस इज अ ब्लेंड ऑफ टू प्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड एंड आइसोलेट, दिस इज प्योर हाइड्रोलाइज्ड। So what is pure hydrolyzed? कैसे आप लोगों को समझाओ? देखो अब ब्लेंड प्रोटीन हो गया जिसके अंदर एक से ज्यादा प्रोटीन होते हैं, चाहे वो दो भी हो वो ब्लेंड हो गया। सो दैट इज ब्लेंड आइसोलेट, बट दिस इज प्योर हाइड्रोलाइज्ड। सो इसके अंदर जो प्रोटीन का यूज हुआ हुआ है वो कोल्ड प्रेस है, मतलब और ज्यादा उसको प्योर किया गया है, देन इट्स प्योर हाइड्रोलाइज्ड। एंड इसके अंदर यहाँ पे परसेंटेज भी कंपनी ने दिया हुआ है कि आपको जो हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन आइसोलेट मिलता दैट इज 29 ग्राम्स ठीक है। का सारा कुछ एडिशन वगैरह सब्सट्रैक्शन वगैरह करके आपको यहाँ पे पर स्कूप में 26 ग्राम्स ऑफ प्योर हाइड्रोलाइज्ड विदाउट एनी ब्लेंड देखने को मिलता है। तो भाई हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन का मतलब हुआ कि सबसे टॉप मोस्ट फॉर्म, बिकॉज जैसे कि धैर्य ने बताया ब्लेंड फॉर्म, वे प्रोटीन कंसेंट्रेट, आइसोलेट एंड देन हाइड्रोलाइज्ड। तो हाइड्रोलाइज से ऊपर कोई प्रोटीन नहीं आता और वो प्योर हाइड्रोलाइज है, दिस इज नॉट प्योर हाइड्रोलाइज। धैर्य भाई ने बिल्कुल सही बताया लोगों को कि हाइड्रोलाइज और आइसोलेट का मिक्सचर है। तो अब हम देखते हैं धैर्य भाई उसके अंदर आपने प्रोटीन क्या बताया था 26 ग्राम, इसके अंदर आपको पर स्कूप 25 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, बट लेट्स सी अबाउट द स्कूप साइज। या 31 ग्राम, तो 1 ग्राम का स्कूप साइज का फर्क है। तो इसके अंदर जो प्रोटीन परसेंटेज भी होगी वो सेम ही अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि उसका 1 ग्राम प्रोटीन भी ज्यादा है उसके साथ उसके हिसाब से। गाइस इसके अंदर आपको 5.5 ग्राम बीसीए एंड 1 ग्राम कार्ब्स मिलते हैं। तो गाइस ये जो प्रोटीन की फॉर्म्स होती हैं आइसोलेट और हाइड्रोलाइज, इसके अंदर आपको जो कार्ब्स देखने को मिलते हैं वो ना के बराबर ही देखने को मिलते हैं एंड हार्डली मिलेंगे। तो फ्लेवर करके 1-1.5 ग्राम कार्ब्स आपको देखने को मिल सकता है, वो भी पर्टिकुलरली चॉकलेट चॉकलेट में। या सो इफ यू टॉक अबाउट द कार्ब्स ऑफ आइसोवे 100, सो मैंने जैसे कि आपको बताया कोल्ड प्रेस वाला सीन है यहाँ पे। कोल्ड प्रेस मतलब बिल्कुल इन्होंने ना सब कुछ माँ बहने कर दिया इन्होंने, लाइक वो कहते हैं जितनी फैट है सब जाओ, जितनी शुगर है सब जाओ। सो इफ आई शो यू द न्यूट्रिशन फैक्ट्स ऑफ दिस प्रोटीन, तो आपको जो जनरली अब देखो प्रोटीन है 26 ग्राम्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए 0.8 ग्राम्स, विच इज आई थिंक बिकॉज ऑफ चॉकलेट, बट दिस इज अ कॉफी फ्लेवर, सो आई थिंक हर फ्लेवर में आपको 0.8 ग्राम कार्ब्स ही देंगे। देन
फैट की बात करो, फैट भी जीरो है, सैचुरेटेड फैट भी जीरो है, ट्रांस फैट भी जीरो है, कोलेस्ट्रॉल भी जीरो है, सोडियम आपको 40 mg दिया होगा मोटा मोटा, एंड इफ वी टॉक अबाउट द कैलोरीज, कैलोरीज इज वेरी लेस, ऑलमोस्ट 110 कैलोरीज आपको पर स्कूप के अंदर मिलती है। सो समहाउ अगर देखा जाए, क्योंकि बिकॉज दिस इज प्योर हाइड्रोलाइज्ड, तो इसके अंदर फैट फूट की जो कंडीशनिंग है या फिर जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हो गए वो ऑलमोस्ट जीरो हो गया, एंड हमारे को ऑन में चिन में यहाँ पे कितना मिल गया, ऑलमोस्ट 1 ग्राम के आसपास कार्ब्स मिला, अदरवाइज तो उसमें भी सबको जीरो ही है। भाई इसके अंदर फैट जो बोली है, जैसे कि भाई ने बताया उसके अंदर जीरो थी, इसके अंदर 0.5 ग्राम है, इसके अंदर आपको जो कैलरीज है उसे भी है लगभग 110 कैलरीज ही मिलती है, एंड अगर हम बात करें सोडियम की, इसके अंदर थोड़ा कंपैरेटिवली सोडियम ज्यादा है, इसके अंदर कितना था 40 mg, इसके अंदर 190 mg आपको सोडियम देखने को मिलेगा। सो गाइस अगर हम बात करें अब इसकी सर्विंग की, क्योंकि यार बहुत सारे आइसोलेट हाइड्रोलाइज में सर्विंग्स कम ही आती है, लगभग ऑन जैसे ब्रांड में तो बहुत कम आती है, तो अब हम इसकी सर्विंग की बात करें तो इसकी आपको पर कंटेनर में सर्विंग जो देखने को मिलेंगी वो मिलेंगी 44। और अगर हम आईएसओ 100 की बात करें, देखो दोस्तों मैंने आपको दोनों चीजें बताना चाहूंगा, अब ऑन एक हमारा पुराना ब्रांड है, ठीक है, तो अब ऑन और अगर बजट वाइज बात करो तो आपको आसपास दिखने को मिलेगी काफी, ठीक है, सो अब उसमें हमारे को 44 सर्विंग चलती है, बट ऑब्वियसली 3 क्लैप्स इज अ न्यू ब्रांड दैट इज मेड इन यूएसए, राइट, सो उसके अंदर कंपनी ने तो अपनी तरफ से बेस्ट देना, यहाँ पे तुम्हारे को जो फॉर्मुलेशन है वो भी बेस्ट दिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्राइस, एंड अगर तुम बात करो सर्विंग्स की, सो दिस इज प्रॉपरली 4.4 लैप्स विच इज 2 kg, तो इसके अंदर तुम्हारे को 63 सर्विंग्स मिलती है पर कंटेनर के अंदर, सो इफ यू गोना यूज 2 स्कूप्स अ डे तो वो 22 दिन चलेगा, और अगर आप इसके 2 स्कूप यूज करोगे तो 30 से 31 दिन आराम से ये निकल जाएगा। और दोनों की प्राइसिंग जो है वो लगभग सेम है, हम प्राइसिंग वीडियो के अंदर बिल्कुल नहीं बताने लगे, आप फिर हमें कॉल और व्हाट्सएप कैसे करेंगे, बट अगेन विल शेयर द प्राइसेस जो एमआरपी है इसके ऊपर, एमआरपी जो आपको आईसो में 100 का मिलेगा दैट विल बी 13,999 रुपए ऑलमोस्ट, भाई इसका कितना दे रहे लोग 8099, सो इसका एमआरपी भी इज जनरली लेस, इसका एमआरपी भी ज्यादा। एमआरपी के बारे में हम लोगों ने आपको बता दिया, प्राइसिंग के बारे में हम बिल्कुल नहीं बताने लगे, नहीं तो आप हमें याद कैसे करेंगे। जिन लोगों को भी प्राइसिंग के बारे में जानना है तो वो लोग आज ही कॉल या व्हाट्सएप करके नीचे दिए गए नंबर पे ऑर्डर कर सकते हैं अपना सामान घर बैठे बैठे। तो दोस्तों हम लोग अपनी वीडियो को यहीं पे अंत करते हुए एक छोटे से मुहावरे के साथ, दरवाजे को बोलते हैं हम लोग गेट, दोनों ही है हमारे श्री साई न्यूट्रिशन के बेहतरीन आइसोलेट। वाह, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, और गाइस ज्यादा से ज्यादा वीडियो को हमारी शेयर भी कीजिए जिससे और लोगों को भी नॉलेज मिल सके और लोग अपने पैसे को सही जगह लगा सके, ये हमारा वादा रहेगा, क्योंकि हम लोग आप लोगों को गाइड करेंगे जिससे आपके पैसे गलत ना लगे, और जितने भी भाई 9-10 हजार रुपए लोग लगाते हैं अपने सप्लीमेंट पे वो कहीं गलत ना लगा बैठे। सो गाइस हम लोग आज के कार्यक्रम में समाप्त करते हुए जय हिंद जय भारत।